भगवती वासुदेवाय। Good day.
भगवान आकर सामने प्रत्यक्ष खड़ा होगा, पर ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे। क्यों? क्योंकि अंदर ही भगवान की इतनी सुंदर झांकी का दर्शन है। बंदर दर्शन हो रहा है तो वे आंखें क्यों खोले? भगवान ने समझ आई, भगवान अंदर का दर्शन विलुप्त करिया। अब जो ही अंदर का दर्शन बंद हुआ कि ध्रुव जी झटपटा के आंखें खोली, और जो ही ध्रुव जी आंखें खोली तो सामने साक्षात त्रिलोकी का नाथ खड़िया। अब जो ही भगवान ने देखा तो 5 वर्ष रो बालक महाराज कई बोली, ध्रुव जी री आंखों आंसू आएगा, ध्रुव जी री आंखों आंसू आ रहा है। और ध्रुव जी मन में सोच रहा है कि भगवान तो आएगा, पर ना तो माओ पूछा ना गुरु जी पूछा कि भगवान मिली तो भगवान मांगनू गई है, भगवान ने बोलनू गई है। भगवान समझ गा कि ध्रुव कहीं ना कहीं बोलनू तो चाह रहे है पर बोल नहीं पा रहे। उन्हीं समय भगवान अपनो 5 जन्य शंख ध्रुव जी रा गालो स्पर्श कर गए, और जो ही शंख ध्रुव जी रा गालो स्पर्श हुयो तो ध्रुव जी वेद वेदांत रा ज्ञाता हुएगा। वेद वेदांत रा अब ध्रुव जी बड़ी सुंदर स्तुति करी भगवान की, खूब सुंदर प्रार्थना करी भगवान। और ध्रुव जी कहवे, यूंता प्रवेश मम वाच में मां प्रशुप्ता, संजीव यज्ञ खिल शक्ति धरा स्वधामना, अन्यास्य हस्त चरण श्रवण त्वगादिन, प्राणन नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रशुष्टा, संजीव यत्खिल शक्ति धरा स्वधामना, अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादिन, प्राणन नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के समक्ष जाकर, भगवान के मंदिर में जाकर इस श्लोक का गान करता है तो भगवान उसकी वाणी को जगाते हैं, भगवान उसको वाणी बुद्धि शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि ध्रुव जी कह रहा है कि वाणी गुणानु कि प्रभु आज था हमारी सोई हुई वाणी ने जगाया हो, हमारी वाणी सोई हुई ही जिन्हें आज था जगाया है। प्रभु मैं थाने बारंबार प्रणाम करूं था, बड़ी कृपा करी हमारा ऊपर, और जैसी कृपा था हमारा ऊपर करी हो ऐसी कृपा था शायद ही कोई पर करो, तो बोले था की कृपा सदा हमारा ऊपर मणी रहे। बोले ध्रुव वो सब तो ठीक है पर अब बता तो सही, तने चाहिए कहीं? बोले मने कहीं नहीं चाहिए, बस थाका चरण भी भक्ति चाहिए। भगवान के वे ध्रुव आज तो तने भक्ति चाहिए, ध्रुव आज तो तने भक्ति चाहिए, पर उस दिन तू कई सोच के घर निकलियो, उस दिन तो राज्य चाहिए हो ना कि अभी आधा मिल को भगवान मिल गा तो पूरा मिल जाए। भगवान के वे ध्रुव मैं तने आशीर्वाद दूं कि 36,000 वर्ष तक तू ई लोक में